हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हफ्सा खान और शहीर खान के निकाह पर। और ये व्लॉग है शहीर खान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से। लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेट्स चेक इट आउट। सगाई नहीं, निकाह ना। हफ्सा खान और शहीर खान, वाओ। मैंने वैसे एक पिक देखा हुआ है, सब जन मुझे सेंड कर रहे थे। 5:30 PM। So, Assalamualaikum everyone, my name is Shahid Khan and as you all know, मैंने का व्लॉग, क्योंकि थंबनेल जो है ना हमारा, वही काम असल कर देता है। लेकिन एक सेकंड, थोड़ा सा पहले ये म्यूजिक हो जाए ना अगर। हाँ, तो भाई बात ये थी कि निकाह से पहले निकाह की तैयारियां भी जरूरी होती हैं, तो मैं ये निकाह से बहुत पहले शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तैयारियां करनी है। अब निकाह की तैयारियां बोले तो शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, तो भाई ये तो बहुत जरूरी है एक लड़के के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने डिजाइनर के पास चल के उसको फटाफट से नाप दे देते, ताकि एंड टाइम पे कोई पंगे फसाद ना हो, दंगे फसाद ना हो। चल मेरी धन्नो, मेरे निकाह का सवाल है। होता ही है फिर भी लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ होता है। जितनी जल्दी आपको होती है ना, उतना ही आपके साथ बुरा होता है। और ऐसा कुछ ये एक्चुअली फैक्ट है, आपको देर होगी। खैर है, भूला है। काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में लग रहा है। तो एक अच्छा दूल्हा बनने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। बताओ बताओ। कपड़े, अच्छे जूते और अच्छा चश्मा, वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं डिजाइनर के पास, क्योंकि अच्छे कपड़े तो वहीं से मिलेंगे ना। ये सारी बाइक RX 100 जैसी लगती है मुझे। इंडिया में काफी बात की हमने डिजाइनर की, और शादी भी मेरी है, तो मुझे चाहिए एकदम खतरनाक डिजाइनर। और खतरनाक बोले तो नजीमा है। स्पॉन्सर्ड है या नॉर्मली काफी पॉपुलर है? हो सकता है नॉर्मली काफी पॉपुलर। वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र भाई। ड्रेस का क्या हुआ? ड्रेस लगा हुआ है आपका। कितने दिन लगेंगे मजीद? थोड़ी मेहनत है ज्यादा उसमें। ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं ना, खतरनाक। 100 लोगों में दिखेगा। मैं तो करोड़ों की सोच रहा था। बुला लूंगा तो मेरे पास ये भी खाली हो जाएंगी ना। बाकी जो दूसरे फंक्शन के ड्रेस है उसका नाप वगैरह अभी ले लेते हैं। पहले पार्किंग का तो भाई तैयारियां तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन जो हमारे डिजाइनर है, मैं बोलता हूँ मतलब के बेस्ट डिजाइनर इन कराची। शॉप का एड्रेस वगैरह जल्दी से बता दें। शॉर्टकट तारिक रोड, लोकेशन डालो नजीब माया, आप पहुंच जाओगे। अब जब इतना पेट्रोल खर्च करके आए, डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड चाय जरूरी है। अफसर रो रही क्यों? इमोशनल हो के? खुशी के आंसू है। आई होप सो, खुशी के आंसू है। हाँ, खुशी के आंसू है। बहुत ही बिग मोमेंट है ना लाइफ में। नहीं यार, हिम्मत मैं बोलूंगा। बोलो बोलो, मैं वेट कर। Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing great. और बस मुझे इतने कहने के, आप लोग बस हमें प्यार करते रहिएगा और बस हमारा साथ दीजिएगा। जिस तरह से आपने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया है, मेरी खुशियों में भी साथ दीजिएगा। और जो जैसे जो भी लोग हैं इस तरह से, जो भी बोलेंगे कि हाँ ये तुम इतनी जल्दी ये सब चीज़ों से मूव ऑन कर गई है, वो तो वो बात नहीं है। जो एक मेरी ज़िंदगी में आया ना, वो उसे मैं समझ सकती हूँ। और बाकी कोई उस चीज़ से ना कभी अलग है ना ही गुजरे, जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फेस था, इतना अच्छा फेस था, उससे पहले ये सब चीज़ें हुई हैं। तो भाई अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इससे बोला नहीं जाएगा। तो भाई अभी रिसेंटली हफ्सा के फादर की हुई थी डेथ, अल्लाह उनको जन्नत में बहुत अल्लाह मुकाम अता फरमाए, आमीन। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक दुरूद शरीफ पढ़ के उनको भेज दो, और ऐसे बोलना कि हफ्सा के फादर के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि ये सब अचानक निकाह वगैरह, ये सब अचानक नहीं है कुछ भी, ये सब प्लान था। 2 जून को निकाह होना था, वो डेट फिक्स करके गए थे अपनी ज़िंदगी में, तो हमने बोला कि उनकी ख्वाहिश थी, बात सही है, उन्होंने सब किया। तो हमने बोला कि नहीं, उनकी अगर ख्वाहिश थी तो
तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, निकाह करते हैं, सही है, बाकी की चीज़ें बाद में हो जाएंगी। इवेंट था 4 जून को, वो कैंसिल कर दिया, तो बस ये हम बिल्कुल एक सादगी से निकाह कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना कोई दावत, ना मेहमान वगैरह, बस मुश्किल से चंद घर के अफराद बुला के हम निकाह करके सादगी से, बाकी चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। तो व्हाई यू क्राइंग? तो बस हम लोग को इसी तरह से आप लोग प्यार करेगा और वो सब ऐसे ही करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। हमारा काम है जो हम करते हैं इस तरह से, चाहे वो जिंदगी का कोई भी फेस हो, जिस तरह से लोग स्कूल जाना नहीं छोड़ सकते, कॉलेज जाना नहीं छोड़ सकते, लोग अपनी जॉब्स नहीं छोड़ सकते, इस तरह से ये हमारा काम है। अगर हम लोग आके आप लोग को सिर्फ अपनी हंसी दिखा रहे हैं तो आप नहीं जानते कि हमारी बैक लाइफ में क्या चल रहा है। जिस तरह से लोग बोल देते हैं ना, ये सोचते नहीं बोलते, दूसरे में क्या भी थी, छोड़ो बस, जिसकी जो सोच होती है वो वही बोलेगा। लेकिन खैर छोड़ो, अभी रह गए निकाह में थोड़े से दिन, तो मैं चाहता हूँ इन थोड़े से दिनों में ना शक्ल में ना मुस्कान आ जाए, मुस्कान बोले तो हंसी, वो मेरा काम है, मैं कर लूंगा। पूरे ब्लॉग में यूं कर रही हूं। तो ये क्लिप शूट करने की वजह ये थी कि आप सबको पता चल जाए, जिनको नहीं पता, वरना आप सबको पता है बाद में सिर्फ लोग बातें ही करते हैं। ठीक है, अभी 1-2 दिन बाकी हैं, हम अपना आगे का व्लॉग कल या परसों से कंटिन्यू करते हैं। 2000 years later. चलो जी, अपना न्यू डे स्टार्ट करते हैं, नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। नई जिंदगी में एंटर होने से पहले मेरे पास एक नई कैप है, सही है, वो पुरानी वाली कैप मैंने रख दी है। अब मुझे कोई नहीं बोलना कि नई कैप ले लो, नई कैप ले लो, तो भाई ये टैग लगा हुआ है, ये नई कैप आपके भाई ने मंगवा ली है। कोई भी नई चीज पहनने से पहले इसका टैग हटाना जरूरी है। देखो जरा, देखो जरा, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो, न्यू कैप है, अच्छी लग रही है भाई। वो सुनाओगे ना, कुछ भी अच्छा करने से पहले मीठा जरूरी है, तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले खाना जरूरी है, क्योंकि जब तक कुछ पेट में नहीं जाएगा ना भाई, अपने दिमाग में भी कुछ नहीं आएगा। और इस वक्त मुझे दिमाग चलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लोकेशन देखने, क्योंकि हमने कल शूट करना है निकलेगा, तो वो लोकेशन देख के उसके हिसाब से थीम सेट करके सब चीजें अपने दिमाग में मैंने लॉक करनी है, फिर मैंने फोटोग्राफर को बताना है, फिर उसकी थीम वगैरह सेट करके हम क्लिक करेंगे अपनी निकाह की पिक्चर्स, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। लेकिन उन सब बातों से पहले कैमरा एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, फूड एसी तेज करो यार। अच्छा, KFC से ऑर्डर कर, ये अच्छा है, मैं भी KFC ज्यादा प्रेफर करता हूं। वैसे हफ्सा कितनी स्ट्रांग है यार, आई नो कि पापा की डेथ होने के बाद आपका भाई पहुंच गया लोकेशन पे, अब बारी है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की। जगह बहुत खूबसूरत है नो डाउट, लेकिन यहाँ मैंने सुना है जितना चलोगे उतनी अच्छी अच्छी लोकेशन मिल सकती है, जहाँ पे लोग गए भी नहीं है, या बहुत कम लोग जाते हैं। मतलब जो हमारा आज का काम है वो ये है कि हमने निकाह की पिक्चर्स के लिए एक अच्छी जगह एक्सप्लोर करनी है, जो की बहुत जरूरी है। चलते जाओ, ये वाला जो वेदर हो रहा है, अल्लाह करे बस ऐसा ही रहे कल भी। और हमारे दिमाग और क्रिएटिविटी के हिसाब से ये है हमारा स्पॉट नंबर 1। आगे एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता और कुछ भी अच्छा, थोड़ी सी ना ख्वारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि अपना काम बेहतरीन हो जाएगा, और एक बार काम बेहतरीन हो गया ना, तो समझो दिल और दिमाग दोनों सेटिस्फाई। एक्सप्लोर जो कर रहे हैं वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन यहाँ ग्रीनरी और ये मुझे थोड़ा रीजेंसी टेकड़ी का याद आ रहा है, इतना सुकून देती है। अब जैसे इनको देख लो, कव्वे हैं, मैना है, इतने प्यारे प्यारे फूल है, इतना प्यारा प्यारा वेदर है, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ, ऐसी सिचुएशन में किसको सुकून नहीं मिलेगा ये मुझे बताओ। चलते चलते आंखों को एक चीज दिख गई, वो आखिरी चोटी। अब मेरा मिशन है, मुझे वहां पहुंचना है, सही है, वहाँ मैं जाऊंगा, सुकून से बैठूंगा, थोड़ी सी वाइब करूंगा, फिर वापस आऊंगा, शूट यहाँ नहीं करेंगे। आकाश ये आकाश की तरह हो गया, आकाश हमेशा ऐसे लोकेशन बहुत प्रेफर करता है। दिमाग को इस बार इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि दिल कल ही जाके आया हूँ, ऐसे एक क्लिफ वाले एरिया में, ये ऑलमोस्ट हर दिन जाता है आजकल, तो मुझे पसंद है, और जिन सब्सक्राइबर से मेरी बातें होती है उनको भी मालूम है। लेकिन फिर भी यहाँ आसपास ऐसा घर वगैरह है, मैं जहाँ बैठता हूँ वो काफी, तू भी तो मेरे साथ आता है। फाइनली आपके भाई ने ये चोट, लेकिन व्यू अच्छा, बहुत बहुत अच्छा व्यू है। ये किडनी हिल वाला है क्या? हाँ, ये देखा है मैंने। अच्छा, ये एरिया देखा हुआ। तो भाई अपना लोकेशन स्पॉट करने वाला सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें दूसरे काम के लिए जाना है। और अगर मुझसे ये शिकायत है कि लोकेशन नहीं दिखाई, तो भाई कल भी आना है, शूट भी करना है, तो उसमें देख लेना, मिलेगा सब आपको इसी व्लॉग में। अब जो हमारा दूसरा काम है वो देखते हैं। लोकेशन के बाद मिशन नंबर 2, वो है ये व्हाइट प्यारे प्यारे से कबूतर। सोच रहोगे कि भाई कबूतर का क्या काम, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मिशन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, मिशन नंबर 3 है सुबह उठ के तैयार होना, तैयार होके जाना, फिर उसके बाद निकाह, और फिर उसके बाद सारे मिशन कंप्लीट। आई एम सो एक्साइटेड। ऐसे बैकग्राउंड अच्छा, ड्रैगन बॉल। सो एवरीवन, सो फाइनली इट्स निकाह डे, और आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन बड़ा अफजल होता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो जुम्मे की नमाज वगैरह पढ़ के अभी आपका भाई आया है, ऊपर कपड़े प्रेस हो रहे हैं,
कपड़े पहनने हैं, फिर उसके बाद हमें जाना है तैयार होने। माजरत के साथ मेरे पास ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि 2:15 वैसे ही होगा और 3 बजे मुझे पहुंचना है जहां मैं लोकेशन पे गया था। थोड़ा सा समझो ना, खुशी अभी क्या बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह से व्हाइट कपड़े पहन के यहां पे मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये लोग बहुत अच्छा है, फ्रेश करवाना है क्योंकि हम जा रहे हैं शूट पे, धूप वहां पे बहुत होगी तो चेहरा अजीब ना हो। जल्दी से बस रेडी होते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैंने आपको अभी बताया। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सेट किया ना इस आउटफिट के लिए, थैंक यू नजीम मान। तो भाई अब जाना है हमें अपनी दुल्हन से मिलने, उनको पिक करना है, फिर उसके बाद हमें जाना है शूट पे। और मेरी जो असल दुआ है वो ये है कि मैं जैसा शूट चाह रहा हूँ बस दुआ करो वैसा हो जाए, तो हो क्या ही बात है। चलो भाई बेगम वही है, मुझे अपना फर्स्ट रिएक्शन भी तो रिकॉर्ड करना है, मैं देखूँ वो कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, तो ये भी जरूरी है भाई। तुमने आना ही नहीं आना, वरना मैं चला जाऊँ। आज तो जल्दी आ जाओ यार प्लीज, तुम क्या जानो एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी। जिंदगी ऐसे गुजर जाती है इंतजार में, शुरू होने से पहले ही खराब हो रही है, धूप में खड़ा हूँ इंतजार कर रहा हूँ, मतलब क्या है। 5 minutes later. Oh, आ गए। Beautiful. बात है। ये रिचुअल है क्या? तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। इनका बहुत अलग हो रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो हुआ है। ये हमारी प्यारी सी लोकेशन हमारे दिमाग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ फोटोग्राफर आए, फिर मैं अफसा को लेके आऊंगा, फिर हम यहाँ शूट करेंगे। दुआ की थी कि कल वेदर वैसा ही रहे लेकिन आज धूप आ गई। भाई हमारी जो दुल्हन है ना वो गाड़ी में बैठी है तैयार होके वेट कर रहे हैं ना हम लोग, आ गया शायद वो भी, जरा हम अपनी दुल्हन से भी बातें कर रहे हैं थोड़ी सी। हाँ भाई मेरी दुल्हनिया कैसी है आप? ठीक है आप? माशाल्लाह बहुत 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 प्यारे लग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, खुश हो? बहुत। रोने का नहीं हो रहा, देखो कैसे नहीं रोएगा, मेरे एफर्ट जाया मत करना, रोना नहीं बस, मेकअप जाया हो जाएगा, आंटी मारेंगी इतनी मेहनत से कर रही है मैं सुबह से। चलो भाई शूट वाले बॉयज भी आ गए, अब जरा जाके उनके साथ देखूं मैं क्या है क्या नहीं है। इतना मेहनत भी होता है ना ये सब में, हमें पूरा प्रोसीजर दिख रहा है बिहाइंड द सीन्स। भाई हमारा शूट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मजा आ रहा है तुम्हें? गर्मी लग रही है अभी इनको, आओ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कबूतर जो मैंने बताया था ना वो अब काम में आएंगे भाई, ये कबूतर मेरा और ये किसका, क्यूट है। अब हमने करना क्या है मतलब पिक्चर वगैरह में ये इसको यूज करके, अभी नहीं अभी नहीं, शूट वगैरह हो गया, अब टाइम बहुत कम है, असर की अजान भी हो गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए, बस मैं जाऊंगा अफसर को छोड़ूंगा इसके घर, ऑफिस के बाद मैंने जाने सीधा मस्जिद, मस्जिद जाके होगा भाई का निक्का। जल्दी जल्दी के सफर में मस्जिद में पहुंच गया हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हुए वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर नमाज वगैरह पढ़ के निकाह होगा डायरेक्ट, मैं सब वो वीडियो आपको कोई और ही बना के देगा, अंदर मुझे सबसे मिलना जरूरी है। पहली बार देख रहा हूँ कि दूल्हा खुद इतना सब करके दे रहा है, लाइक सब कुछ मैनेज कर रहा है, लेकिन सरकमस्टेंसेस याद रखने पड़ेंगे हमें। नाइस, ये अफसा की सिस्टर है शायद से। हाँ क्या? हाँ अबे यार, हाँ ये ब्रदर है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह जैसे हुआ इतना मसरूफ हो गए सब अपना मिलने में, मैं मर्दों से मिलने में लगा हुआ, ये घर के लोगों से मिलने में लगी थी। लास्ट टाइम हम इसी जगह पे खड़े हुए थे, मैंने आप लोग को एक बात बोली थी ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है शक्ल पे ऐसे मुस्कुराहट लाने की, तो भाई सही है, हमारा निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ, आप खुश है? क्या आपने मुझे अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया ऑब्वियसली, नहीं तो शूट करने के लिए बार बार शूट कर रहे हैं, सब हो रहे हैं उधर हो ना थोड़ा सा बेगम, रिंग सेरेमनी पता नहीं इसमें शूट हुई हो या ना हुई हो, ये इनकी रिंग है और ये वाली मेरी रिंग है और ये मेरी बेगम है और ये मैं हूँ और ये हमारी शादी हो गई है। सो गाइस डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी के साथ साथ प्लीज 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 माशाल्लाह बोलना नहीं भूलना, तुम क्या खुश नहीं हो? एक लफ्ज नहीं बोल रही हो? मैं बहुत 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 खुश हूँ, और बस जो भी बाबा, तो खुश है ना ऑब्वियसली हो गया है, खुशी का फैसला था तुम्हारी वो। हाँ
चलो भाई सब अपने ढेर सारा ख्याल रखना, ये ज्यादा नहीं दिखेगी व्लॉग्स में, सही है, कम कम होगी, ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह आगे भी मजीद व्लॉग्स आते रहेंगे, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। या जाके वैसे ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में है, सपोर्ट करना, शहीर के लिंक पे जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत ही सिंपल अच्छा वे में किया, और बहुत सिंपल अच्छा वे में, खुद बंदा इतना खुद से मैनेज कर रहा था सबको संभालना। या शहीर ने जैसे मैनेज किया, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और जो सिचुएशन में मैनेज किया यूजुअली इजी नहीं होता। वो मुझे हफ्सा के पापा का सुनकर काफ़ी बुरा लगा एक्चुअली। मुझे भी आज पता चला, ये व्लॉग देखा तब मुझे पता चला, वरना इसके पहले मुझे कोई आइडिया था नहीं। या कुछ लड़कियां होती है जो खुशी के आंसू से रोती है, लेकिन स्टार्टिंग में आकाश बोल रहा था ना ये खुशी के आंसू है, लेकिन बट मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली क्या। और वो मैं जानता हूँ कि मतलब जैसे उसके जो हफ्सा खान है उनके पापा नहीं है, तो मैं वो दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, तो मुझे पता है कि कितना काफ़ी यंग एज में लूज। तो फिर भी हफ्सा ने, हफ्सा काफ़ी स्ट्रांग है कि उसने एक 21 या 22 ईयर के एज में देखा, मतलब खोया है। बहुत ब्रेव एंड बहुत ज़्यादा ब्रेव, क्योंकि काफ़ी साल से इनका रिलेशनशिप चल रहा है। हाँ, वो एक्चुअली हमें तभी आइडिया हो गया था जब हम पहले रिएक्ट कर रहे थे, तभी शायद हमको पता था ये काफ़ी अच्छे दोस्त है। राज ने भी मुझे बताया था कि ये दोनों कजिन्स है, तो मैं बोला हाँ शायद। फिर काफ़ी लोग गेस करने लगे कि ये दोनों रिलेशनशिप में है ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा यार है तो मतलब लोगों का क्या मानना था कि ये लोग छुपाते क्यों है, तो वो मतलब स्क्रीन पे एक दोनों साथ में आने के बाद भी लोग ये दोनों छुपाते हैं, तो मैं बोला यार वो उनकी मर्जी है, मतलब उनको शो करना है नहीं करना। कर भी दिया था वही। वैसे शहीर का जो लुक था बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था। एंड ओवरऑल बहुत ही बिटर स्वीट वीडियो था। एक तो पता चला हफ्सा के डैड के डेथ का, और दूसरी तरफ खुशी का मौका भी है, लेकिन वो खुशी थोड़ा म्यूटेड था ना, कोई सेलिब्रेशन था जैसे शहीर ने कहा, इस वजह से उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं रखा, सिंपल एक निकाह कंप्लीट सिर्फ घर के लोग थे मतलब। हाँ, तो लेकिन स्टिल अच्छा लगा एंड आई होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इन्होंने दर्द देखा है एंड होपफुली लाइफ अभी इसके आगे अच्छा ही चले, नज़र ना लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है। और वैसे भी मैंने हफ्सा खान को विश भी किया था। हाँ, तो उनका थैंक यू भी आया था मतलब मुझे, मतलब वो ऐसा हुआ था कि मैं उनकी स्टोरी देखी, मतलब तो उनका मैंने ये देखा तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, बोला अच्छा चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने किया तो उनका थैंक्स आया। मैंने विश तो नहीं किया पर्सनली, लेकिन इस वीडियो के थ्रू कर देता हूँ, अगर हफ्सा या फिर शहीर देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइफ ब्लेस, बहुत बड़ा मोमेंट है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बहुत अच्छा लगा एंड या अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन आप दबाए बिना जाने तो वाले नहीं हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय बाय।